नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप 6 एक्टर यानी कि अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन और आमिर खान की एक दिन की कमाई के बारे में। और आपको बताएंगे दोस्तों, इन 6 सुपरस्टार में सबसे ज़्यादा कमाई कौन करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप किसके फैन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान, जो कि ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, आमिर खान वैसे तो काफ़ी कम फिल्में साइन करते हैं और बड़ी मुश्किल से 2 साल में इनकी एक फिल्म आती है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाई कर लेती है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आमिर खान की जो कमाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आमिर खान फिल्मों के अलावा कई मोबाइल का भी प्रमोशन करते हैं, साथ ही साथ इनके पास कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स हो रहे, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे आमिर खान डेली यानी कि एक दिन में लगभग 30 लाख रुपए की कमाई कर जाते हैं। वही दोस्तों बात करें नंबर 2 की, तो दोस्तों नंबर 2 पर है बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन सर। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन सर एक साल में 2 से 3 या कभी कभी 4 फिल्में भी बना देते हैं, जिसके चलते दोस्तों अजय देवगन की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों फिल्मों के अलावा अजय देवगन का एक प्रोडक्शन हाउस है NYVFX वाला, जिसके जरिए वो कई बड़ी फिल्मों में VFX देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अजय देवगन के पास भी कई ब्रांड्स हैं जिनका प्रमोशन करके भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अगर बात करें कि अजय देवगन एक दिन में कितनी कमाई करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की एक दिन की कमाई है लगभग 36 लाख रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर 4 के, तो दोस्तों नंबर 4 पर है बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन वैसे तो काफी समय से कम फिल्में बना रहे थे, लेकिन दोस्तों पिछले साल ऋतिक रोशन ने 2 फिल्में बनाई थी, जिसमें पहली थी सुपर 30, जो कि बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर गई थी। वही दोस्तों उनकी दूसरी फिल्म थी वार, जिस फिल्म ने 2019 के हाईएस्ट ग्रोसिंग का टैग अपने नाम किया था। तो आपको बता दें दोस्तों, ऋतिक रोशन ने पिछले साल 2 सुपरहिट फिल्में तो दी थी, साथ ही साथ दोस्तों ऋतिक रोशन का एक ब्रांड है जिसका नाम है HRX, जिसके जरिए वो कई सामान बेचते हैं जिनमें ज्यादातर गारमेंट आइटम रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऋतिक रोशन भी एक साल में अच्छी खासी कमाई कर जाते हैं। अगर बात करें उनकी एक दिन की कमाई की, तो दोस्तों ऋतिक रोशन की एक दिन की कमाई है यानी कि 53 लाख रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर है बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से शाहरुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल तो नहीं कर रही है, लेकिन फिल्में ना चलने के बावजूद भी शाहरुख खान अच्छी खासी कमाई कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान के पास कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका प्रमोशन करके शाहरुख खान के करोड़ों में कमाई हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान के कई बिजनेस हैं जिनके जरिए भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान का एक प्रोडक्शन हाउस है रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट, जिसके जरिए ये कई फिल्में प्रोड्यूस करते हैं और उन फिल्मों से भी शाहरुख खान की कमाई अच्छी खासी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों शाहरुख खान की KKR एक क्रिकेट टीम है, इसके अलावा शाहरुख खान का ही रेड चिली VFX भी है, जिसके जरिए वो दूसरी फिल्मों में VFX देकर भी अच्छी खासी कमाई कर जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह शाहरुख खान की जो कमाई है वो कहीं ना कहीं फिल्में ना करने के बाद भी अच्छी खासी हो ही जाती है। अगर बात करें कि शाहरुख खान की एक दिन की कितनी कमाई है, तो दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान पर डे यानी कि एक दिन में लगभग 70 से 75 लाख रुपए कमा लेते हैं। वही दोस्तों बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर है बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की कमाई तो बड़ी आसानी से कर ही जाती है, लेकिन दोस्तों फिल्मों के अलावा भी सलमान खान की और दूसरी चीज़ों से अच्छी खासी कमाई होती है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि सलमान खान बिग बॉस भी होस्ट करते हैं, इसके अलावा इनके पास दूसरे कई ब्रांड्स हैं जिनका प्रमोशन करके भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों सलमान खान का एक ब्रांड है जिसका नाम है बेइंग ह्यूमन, जिसके
जरिए भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खान ने पूरे इंडिया में कई जगह जिम खोल रखे हैं जिनसे भी इनकी अच्छी खासी कमाई चली ही जाती है। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें कि सलमान खान एक दिन में कितनी कमाई करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें पिछले साल के रिपोर्ट के हिसाब से सलमान खान की एक दिन की कमाई है लगभग 87 लाख रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर वन की तो दोस्तों नंबर वन पर है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों आप सबको पता है कि आज के समय में बॉलीवुड में अगर कोई सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है तो वो है अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय कुमार एक साल में मिनिमम 3 या 4 फिल्में बनाई ही देते हैं जिनके जरिए दोस्तों अक्षय कुमार की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अक्षय कुमार का भी एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके जरिए ये फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अक्षय कुमार के पास जो ब्रांड्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें दोस्तों कि अक्षय कुमार एक दिन में कितने कमाई करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार के एक दिन की कमाई लगभग 1,20,00,000 रुपए से भी ज्यादा की है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें पिछले साल की रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय कुमार के एक दिन की कमाई लगभग 1,26,00,000 रुपए है। इसी के साथ दोस्तों अक्षय कुमार बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सुपरस्टार बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड के 6 सुपरस्टार जो एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। वैसे दोस्तों इन सभी सुपरस्टारों में आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन या फिर आमिर खान? अपने फेवरेट सुपरस्टार का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।